चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक हाथी के बारे में। एक दिन एक इंसान एक रास्ते से गुजर रहा होता है। बीच रास्ते में वो एक हाथी कैंप देखता है, जहाँ पे बहुत सारे हाथी रखे हुए हैं। वो नज़दीक जाके देखता है तो हाथी के एक पैर को एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है। वो इंसान वो देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर इतना बड़ा हाथी और इतनी सी रस्सी। हाथी के लिए तो ये रस्सी बिल्कुल मामूली सी चीज़ है। अगर वो हाथी चाहता तो उस रस्सी को छोड़ के भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। तो वो इंसान वो जानने के लिए हाथी कैंप में जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक ट्रेनर दिखाई देता है। वो उस ट्रेनर के पास जाके पूछता है कि ये हाथी तो बहुत बड़ा है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने इतनी पतली रस्सी से उसे बांध के क्यों रखा है। फिर वो ट्रेनर उस इंसान को बताता है कि जब ये हाथी छोटे थे तभी वो उसे यही सेम साइज की रस्सी के साथ बांध के रखता था, लेकिन उस वक्त ये रस्सी को तोड़ पाना हाथी के लिए नामुमकिन था। अब जब वो बड़े हो गए हैं तभी वो हाथी यही सोचते हैं कि ये रस्सी को वो खुद नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए आज भी वो हाथी अपने आप को वो रस्सी से छुड़वाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है कि दुनिया चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें कर ले, कितना भी हमें पीछे हटाने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर कुछ करने की हम ठान लेते हैं तो हमें खुद पर भरोसा करके तब तक मेहनत करनी है जब तक हमें सफलता ना मिले, क्योंकि सफलता पाने के लिए खुद पर भरोसा करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।